हे दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफ हिंदी स्पोर्ट्स चैनल पर। मेरा नाम है अहमद और आज हम बात करने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल द्वारा चुने गए टॉप 5 बेस्ट टी20 खिलाड़ियों के बारे में। टी20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 में टॉप 5 खिलाड़ियों को चुन लिया है। दरअसल ICC ने उन्हें 5 खिलाड़ियों को चुनने के लिए कहा था जिन्हें टी20 वर्ल्ड 11 में शामिल किया जा सके, तो मैक्सवेल ने उन 5 खिलाड़ियों को चुन लिया है। मैक्सवेल ने 2 ऑलराउंडर, एक स्पिनर, एक विकेटकीपर बल्लेबाज और एक तेज गेंदबाज को चुना है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में एक भी इंडियन खिलाड़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में। Catchy. तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, शॉन टेट। ऑस्ट्रेलियन बॉलर शॉन टेट अपने टाइम के फास्टेस्ट बॉलर्स में से एक थे। अपने लिस्ट में मैक्सवेल ने लेते हुए कहा कि उसके खिलाफ खेलने के बाद मुझे पता चला कि वो कितना तेज है। यहाँ तक कि अपने करियर के आखिरी दिनों में भी वो गेंद को रॉकेट की तरह फेंक रहा था। मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से किसी भी बल्लेबाज में डर पैदा कर देता। टेट को अक्सर चोट लगती रहती थी, इसके बावजूद भी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद को फेंकते थे। उन्होंने अपने करियर में 171 टी20 मैच खेला था जिसमें 22.40 की एवरेज से 218 विकेट निकाला, तो वहीं टी20 इंटरनेशनल की 21 मैचों में 28 विकेट निकाला था। हालांकि कुछ लोगों को टेट का इस लिस्ट में होना थोड़ा हैरानी की बात हो सकती है। नंबर 4, एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे महान विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक थे। वो सच में गेम चेंजर थे जो हारी हुई मैच को भी जिता देते। मैक्सवेल ने उन्हें अपनी लिस्ट में लेते हुए कहा कि गिलक्रिस्ट मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना सच में एक करिश्मा है। हालांकि उनके करियर के आखिरी दिनों में टी20 इंटरनेशनल की शुरुआत की गई थी, फिर भी उन्होंने अपना अच्छा प्रभाव छोड़ा था। 13 मैचों में खेलते हुए 141.66 की एवरेज से 272 रन बनाया था। वहीं टी20 मैचों की बात करें तो 102 मैचों में खेलते हुए 140.28 के स्ट्राइक रेट से 3 शतक के साथ 2622 रन बनाया था। नंबर 3, बेन स्टॉक्स। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मैक्सवेल की लिस्ट में तीसरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में जगह बनाते हैं। स्टॉक्स अंग्रेजी क्रिकेट इतिहास के शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक भी हैं। और हाँ, स्टॉक्स ICC टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। 148 टी20 मैच खेल चुके स्टॉक्स ने 24.91 की एवरेज और 135.7 के स्ट्राइक रेट से 2865 रन बनाया है, तो वहीं 31 के एवरेज पर 86 विकेट भी निकाला है। इंग्लैंड के लिए स्टॉक्स ने 34 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 442 रन बनाया है और साथ ही 28 विकेट भी निकाला है। नंबर 2, आंद्रे रसल। दूसरे नंबर पर मैक्सवेल ने वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसल को रखा है। मैक्सवेल ने रसल को अपनी लिस्ट में शामिल करते हुए कहा कि कोई है जो किसी भी टी20 मैच में तूफान मचा सकता है। वो एक ऐसा ऑलराउंडर है जो सब कर सकता है। बल्ले से विनाशकारी, गेंद से घातक और फील्डिंग में इलेक्ट्रिक, आंद्रे रसल बेहद सफल वेस्टइंडीज टी20 खिलाड़ियों में से एक हैं। रसल ने अपने टी20 करियर में 382 मैच खेला है जिसमें उन्होंने 169.99 के स्ट्राइक रेट से 6405 रन बनाया है, तो वहीं बेहतरीन आंकड़ों के साथ 340 विकेट भी लिया है। बात करें टी20 इंटरनेशनल की तो 62 मैचों में 716 रन बनाया है और 36 विकेट भी हासिल किया है। नंबर 1, राशिद खान। मैक्सवेल के पहले पसंदीदा टी20 खिलाड़ी अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान हैं। 23 साल की उम्र में राशिद ने खेल के तीनों फॉर्मेट्स में कामयाबी हासिल कर ली है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो दुनिया के खतरनाक स्पिनर्स में से एक हैं। उनकी गेंद बल्लेबाजों को खेलने में हमेशा मुश्किल होती है और हाँ, ICC टेस्ट रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पर हैं। राशिद दुनिया के सारे बड़े फ्रेंचाइज में खेलते हैं जहाँ वो अपना 100% देते हैं। राशिद खान ने अब तक 281 टी20 मैच खेला है जिसमें उन्होंने 388 विकेट झटका है और साथ ही 1288 रन भी बनाया है। और वहीं बात करें टी20 इंटरनेशनल की तो 51 मैचों में 95 विकेट निकाला है।
तो दोस्तों ये थे मैक्सवेल द्वारा चुने गए T20 के टॉप 5 खिलाड़ी जिन्हें ICC ने उन्हें चुनने के लिए कहा था। आपका क्या ख्याल है इस लिस्ट के बारे में? अगर आपको लगता है कि कोई और भी खिलाड़ी इस लिस्ट में होना चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।